नमस्कार दोस्तों, नेटेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप पेटीएम से अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं और वो गलती से किसी और के मोबाइल पर रिचार्ज हो जाता है, रॉन्ग नंबर पर रिचार्ज हो जाता है, तो उसे वापस कैसे उस पैसे को हम अपने वैलेट में फिर से मंगाते हैं, आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक रियलना टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप रियलना टेक चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जो रेड वाली जो बटन आता है इस पर आपको क्लिक करना होता है और आप रियलना टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं फ्री में। और यहाँ पर जो बेल वाली आइकन आती है इस पर भी आपको क्लिक करना होता है ताकि रियलना टेक चैनल का जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आप सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन इसका मिल सके। तो चलिए यहाँ पर बेल वाली जो बटन है इस पर भी हम क्लिक कर देते हैं। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पेटीएम को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्त आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेटीएम को ओपन कर लिया है। तो चलिए दोस्त हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले रिचार्ज करेंगे। अगर आप मान लीजिए कि रिचार्ज कर चुके हैं तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर जो ये आइकन बन के आ रहा है इस पर हमें क्लिक करना होता है। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई ऑर्डर का ऑप्शन आता है, इस ऑर्डर पर जब क्लिक करते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आप रिचार्ज किए होते हैं यहाँ पर पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है दोस्त, मैंने यहाँ पर जो भी रिचार्ज किया है, अभी फिलहाल मैंने कोई रिचार्ज नहीं किया है। ठीक है दोस्त, मैं क्या करूँगा अभी फिलहाल आपके सामने मैं रिचार्ज करूँगा और उसे वापस मंगाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो इसमें क्या होता है दोस्त, मान लीजिए जो आप रिचार्ज करते हैं उससे तुरंत ही आपको, अगर किसी और गलत नंबर पर रिचार्ज हो गया तो उसे तुरंत ही आपको वापस मंगाना होता है, उसका प्रोसेस तुरंत ही करना होता है। आप लेट से करते हैं तो फिर ये वापस नहीं होता है। चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले रिचार्ज करूँगा, यहाँ पर मोबाइल प्रीपेड पर मैं चलता हूँ और मैं यहाँ पर नंबर टाइप करूँगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर पैसे डालता हूँ, कितना हमें रिचार्ज करना है, मेरे को 10 रुपये रिचार्ज करना है। मैं यहाँ पे प्रोसेस टू रिचार्ज पे क्लिक कर दिया मैंने। तो दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो रिचार्ज किया है यहाँ पे सक्सेसफुल रिचार्ज हो गया 10 का रिचार्ज। ठीक है दोस्त, अब चलिए मैं इसे वापस हमें मंगाना, तो इसे वापस कैसे मंगाएंगे इसका हम प्रोसेस जानते हैं। हम यहाँ से वापस होते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं जो यहाँ पे आइकन है, इस आइकन पर मैंने क्लिक कर दिया है और मैं यहाँ पे माई ऑर्डर पर क्लिक करूँगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर रिचार्ज बिल पर मैं आऊँगा, अभी मैंने जो तुरंत रिचार्ज किया है उसे मैं उस पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर नीचे हमें आना है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नीड हेल्प का ऑप्शन आता है, इस नीड हेल्प पे हमें क्लिक करना होता है। इसके बाद दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन आता है, आई हैव रिचार्ज और रॉन्ग नंबर, इस पर हमें क्लिक करना होता है। ठीक है दोस्त, मैंने रॉन्ग नंबर पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमें मैसेज टाइप करना होता है, मैंने दोस्त यहाँ पर मैसेज टाइप कर दिया, हाय सर, आई हैव रिचार्ज और रॉन्ग नंबर, प्लीज़ रिफंड बाई मॉनी। ठीक है दोस्त, अब हमें क्या करना होता है कि जो हमने रिचार्ज कर दिया ना उसका स्क्रीनशॉट, उसका मतलब हमें यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो मैंने स्क्रीनशॉट इसका ले रखा है, तो चलिए मैं यहाँ इसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर देता हूँ। मैंने इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने सेलेक्ट कर दिया है, अब मैं यहाँ पर इसे सबमिट कर दूँगा। तो दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो अपलोड किया है, जो मैंने मैसेज किया है यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेरी है, ये क्वेरी हमारे चेक करेंगे, उसके बाद जो हमारा मनी होगा वो ये रिफंड कर देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, जो हमारे पेटीएम का वैलेट है उसी में हमारा हमारा कैशबैक आएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए दोस्त मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।